कैसी थी मंजिल? अच्छी थी मूवी, बहुत अच्छी थी मूवी, थी एक नंबर। क्या खास था? ये था बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत अच्छी मूवी थी, शानदार, अच्छी, बढ़िया। क्या खास था? देखो मजा आ गया थी, एक नंबर। कैसी थी? अच्छी है। कैसी थी ठीक फिल्म थी सर। मुझे लगता है कि अगर आप जाते इस फिल्म फ्राइडे अगर देखना चाहते कोई डिफरेंट टाइप की फिल्म तो जाके देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ स्पेशल एक्सपेक्ट करके मत जाइए कि कुछ बढ़िया मज़ा मिलने वाला है फिल्म के अंदर। लाइगर कुछ बहुत ही अलग या बढ़िया सी कुछ फिल्म होगी। एक्सपेक्टेशन तो मेरी भी थी कहीं ना कहीं कि अच्छी फिल्म हो सकती है, लेकिन उतनी बेहतर नहीं है। देखने के बाद मुझे यही समझ में आया कि उतनी बेहतर नहीं है जैसा सोचा जा रहा था। देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा डिफरेंट एक्शन, और देवरकोंडा के फैन है तो ज़रूर देखिए, मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिफरेंट है। उन्होंने काफ़ी डिफरेंट रोल किया अपने करियर में, अभी तक जैसा किया उस हिसाब से काफ़ी डिफरेंट रोल भी किया है। मेहनत भी बहुत ज़्यादा करी उन्होंने, उनके कैरेक्टर पर मेहनत करते हुए देखने की समझ में आ रहा है, अलग ही देख के उन्होंने मेहनत करी है। वन एंड ओनली वन मैन शो है, वो उन्हीं के ऊपर है पूरी की पूरी फिल्म। अनन्या पांडे फिल्म में है या ना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेवजह ही है वो, ठीक है। माइक टाइसन का तो कैमियो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहानी भी प्रिडिक्टेबल सी है, वही है, वो गरीब है, बिल्कुल वैसी जगह का है, मुंबई में इस्लाम एरिया का व्यक्ति है, फलाना है, मिक्स मार्शल आर्ट कर रहा है, वहाँ पहुँच गया है, वहाँ जाके देश में पहले तो उसने अपना नाम कर लिया, फिर देश का नाम रोशन करने के लिए यूएसए में जा रहा है, यूएसए में पहले यहाँ नेशनल चैंपियनशिप जीत ली, फिर यूएसए में जा रहा है, फिर वहाँ चैंपियनशिप जीत रहा है, और वो सब हो रहा है, फिर वही हाइप चल रही है, और फिर वो देशभक्ति भी फिर बीच में लास्ट में घुसा देना, वो सब कर देना, वही टिपिकल ड्रामा जो हमेशा से देखते आ रहा है वैसा। लेकिन साउथ जिस तरह से फिल्में बनाता है आमतौर पर, उस हिसाब से साउथ की एक काफ़ी डिफरेंट फिल्म मैं कहूँगा। कहीं ना कहीं देखा जाता है साउथ की फिल्म हमें से कहेंगे, भले हम इसे हिंदी में और करण जौहर ने प्रोड्यूस किया सबके, लेकिन डायरेक्टर वही, एक्टर वही है, तो एक तरह साउथ की फिल्म बन जाती है ना, कंटेंट बनाने वाले तो वही है। तो ओवरऑल ये एक मुझे लगता है एक एवरेज फिल्म है। मुझे लगता है अगर लोग देखना चाहते हैं देख सकते हैं, कहीं ना कहीं लोग निराश होंगे मुझे ऐसा लगता है, फिल्म से उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा लोगों को भी अगर देख के निकलते हैं तो। इस पर अनन्या पांडे का काम देखो, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे उनका काम, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, हो या ना हो कोई वजह नहीं है। और गाने भी मुझे कुछ ऐसे स्पेशल नहीं लगे फिल्म के अंदर, और शुरुआत में तो गाने भमाभम आते ही चले जाते, क्यों आ रहे हैं भाई, ज़रूरत ही नहीं है, ज़बरदस्ती गाने ही गाने आ रहे हैं, और मुझे लगता है कोई इतने अच्छे गाने थे भी नहीं, तो कुछ रिमेंबर करने लायक ऐसे गाने भी नहीं है, तो मुझे कुछ खास नहीं लगी ये फिल्म। 5 में से मैं फिल्म को सिर्फ 2.5 स्टार दूंगा, इतनी ये लायक है मुझे लगता है।